12 थाना बलाबो तू तोहर ही मत कर त एक थाना हमके पकड़ ले छोड़ के बात की 12 थाना बलाबो ठीक 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 हां ओखर लइका हम जामल है अच्छा तोहर हम जमा पनीर हम का ए तू जा नहीं का देल त तू भई जा जमा दे ठीक का दे देखा दे ए तू जा नहीं हां लइकन का बाय धका के दुआर पर हमरा धरतल हमरा सोचवा भी जिंदे बनी अच्छा तोहर हम देख ले कहाँ घर है आपका? सर मेरा घर रामगढ़ थाना में पड़ेगा कान्ही सर। क्या मामला है आपके सर, साथ? मेरा गाड़ी है सर, मैं चुनचुन कुमार सिंह बोल रहा हूँ सर। गाड़ी एक्चुअली सुबह में ड्राइवर लेकर के आ रहा था। ड्राइवर जो सुबह में पैसा ही लोग संतरी लेते हैं थे नहीं, वो दिया नहीं ड्राइवर, और गाड़ी इन्होंने रुकवा दिया। रुकवाने के क्रम में बोला कि अपने मालिक से बात कराइए, और जब हम मैंने बात किया तो बोले कि आप तुरंत अगर पैसा लेकर के आ जाते हैं तो 40,000 में हम मैनेज कर देंगे। मैंने अपने भाई को भेजा सर, यहाँ उपस्थित नहीं था, भाई मेरा आए तो उनसे 30,000 रुपये जा कर के सेटल किए ये लोग, और 30,000 मेरे पास पैसा नहीं था। 15,000 रुपये बड़े बाबू को, इनका मुंशी जो थे उनको दिए, और इसके बाद बोले कि सर गाड़ी मेरा छोड़ दीजिए, 15,000 और ला करके हम दे देते हैं। बोले कि ठीक है, अपने भाई को बैठा दीजिए और जाइए पैसा का व्यवस्था करके लाइए। हम सर, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, हम सीधा जिला में चल गए, एसपी साहब के यहाँ गए। एसपी साहब नहीं थे, एएसपी साहब के यहाँ अनंत राय सर के यहाँ चले गए। वहाँ गए, सारी बात बताए, उन्होंने अपने मोबाइल से फ़ोन किया और बोला कि तुम ऐसे क्यों किए हो। फ़ोन जब किया गया तो ये बोले कि सर एक हमसे बहुत भारी गलती हो गई है, हम पैसा तुरंत इनका वापस कर देते हैं, और गाड़ी मेरा थाने का बिगड़ी हुई थी, गाड़ी बनवाने के लिए मैंने पैसा लिया था। वो बोले कि गाड़ी बनवाना था तो किसी का तुम गला काटोगे? कौन पैसा ले लिए थे? ये पैसा लिए थे यहाँ के बड़ा बाबू राजीव सर जो हैं, SHO रामगढ़ के। क्या नाम है उनका? राजीव सर। अच्छा जी, और इनका मुंशी भी था। क्या क्या पूरा मामला है जी? पूरा मामला यही है कि वहाँ जब पैसा मैंने 15,000 दिया था, जाकर के एएसपी साहब के यहाँ जब मैंने बोल दिया तो ये पैसा तुरंत रिटर्न कर दिए, और बोले कि भागो भागो थाना से, अब जाओ, और गाड़ी मेरी सर पहले ही जा चुकी थी, और इसके क्रम में गाड़ी मेरा वहाँ खड़ी थी मेरे घर के पास, और सुबह में जा करके और उसको बोले कि तुम कल का शिकायत किए हो, हम तुम्हारी गाड़ी का ऑनलाइन फाइन कराएंगे, और वहाँ पर ही फोर्स लगा दिए, और 3 गाड़ी फोर्स लगा करके सुबह से 6 बजे से 12 बजे तक वहाँ पे रहे, और RTO को बुलाए। सर ये बताइए कहाँ का नियम है कि गाड़ी अगर किसी के दरवाजे पे खड़ी है तो ये जा करके ऑनलाइन फाइन कराएं और हवा निकालें? क्या हम लोग का कोई अस्तित्व तो नहीं है? आज कौन दिन है? आज सर बृहस्पतिवार है सर। तो कल का ही यह मैटर है जी सर? आज सर विश्वकर्मा पूजा था, कल गाड़ी हम लोग की सर घर पे ला रहे थे जी सर, तो क्योंकि पूजा पाठ, हाँ कल ही का ये मैटर है सर। लेकिन ये कल जो शिकायत हो गया था इनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगाया गया, इसलिए ये आज जा करके फोर्स लगा दिए गाड़ी। तो उस दिन पहले वाला रेंज में कितना पैसा ले लिए थे? पहले वाले रेंज में सर 15,000 लिए थे, 30,000 मांगे थे, 15,000 मेरे पास पैसा था, 15,000 हम दे दिए थे, और 15,000 के लिए मेरे भाई को बैठाए थे थाना में। मैंने जा करके इनका शिकायत जिला में किया। किनसे किए हैं? ASP साहब से किया है, अनंत राय जो ASP साहब है, तो तुरंत वो फोन किए, एक्शन तुरंत लिए, इन्होंने तुरंत 2 मिनट में पैसा वापस कर दिया। आपका जितना 15,000 लिए थे वो दे दिए? जी तुरंत वापस कर दिए। अच्छा। वापस करने के क्रम में और इन्होंने जा करके दरवाजे पर फोर्स लगा दिया कि तुम्हारी गाड़ी का औकात नहीं है, हम ऑनलाइन फाइन कराएंगे। तो क्या हमें आज गाड़ी लेकर आज भी आप जा रहे थे? नहीं सर, गाड़ी सर कल ही का खड़ी थी, उसका कुछ टायर में प्रॉब्लम था, टायर खराब था, मेरे दरवाजे से 1 किलोमीटर पीछे गाड़ी सर खड़ी थी। गाड़ी थी आपकी? गाड़ी सर एक ठो खड़ी थी, दूसरी गाड़ी मतलब आज गई है, कल ही का एक ठो गाड़ी खड़ी थी। वो कहाँ गई थी आपकी सर गाड़ी? उसको टायर देने के लिए गई थी सर, उसी क्रम में ही कहीं से आए तो लगे ड्राइवरों से मतलब पूछा था जी करने, क्या बोल रहे थे आपसे? बोले कि तुम्हारा मालिक कल का मतलब शिकायत किया है, तुम मालिक को बुलाओ थाने में, नहीं तो गाड़ी नहीं छूटेगी, वहाँ पे फोर्स लगा। कौन बात बोले हैं? कि राजीव सर जो बड़े बाबू यहाँ के हैं वही बोले हैं सर। तो आपका जो पैसा दिए थे 15,000 वो मिल गया? हाँ सर मेरा पैसा मिल गया सर। अभी क्या शिकायत की है आप लोग? सर शिकायत यही की है कि गाड़ी मेरा जब चली गई तो दरवाजे पर कहाँ का नियम है कि जाकर किसी के दरवाजे पर आप, मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं उनको गाली गलौज किया है, मेरे भाई का शर्ट फाड़ दिया है, और वहाँ 3 गाड़ी फोर्स लगा के, क्या हम अपराधी हैं? हम अपना धंधा बिजनेस ना करें? क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम चुनचुन कुमार सिंह पड़ेगा सर। कहाँ घर है? घर सर कान्ही पड़ेगा। क्या आप ट्रक मालिक हैं? जी सर मेरे नाम से ही ट्रक है सर, जो अभी ऑनलाइन फाइन कराए हैं।
कितना का फाइन कटा है सर? 97,500 रुपए का फाइन ही कराए हैं सर। कौन गाड़ी का सर? एक गाड़ी का, और एक गाड़ी का 62,200 रुपए फाइन कराए हैं सर। और हम सर नहीं थे, हम एप्लीकेशन देने गए थे भभुआ, और इन्होंने वहाँ से हटा नहीं, तीन गाड़ी फोर्स के साथ और आरटीओ को बुला करके फाइन कराया। क्या उतना फाइन जरूरी है क्या? उतना बिल्कुल नहीं सर। अगर जेन्यून फाइन किया जाए तो कहाँ का मतलब है कि 97,000-1,00,000 रुपए फाइन होता है? ये कहीं का नियम है? इनको बहुत हमने रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसा मत करिए, विश्वकर्मा पूजा है, मैंने पूजा कराने के लिए सर गाड़ी लाया है। बोले कि पूजा तो नहीं हो पाएगा तुम्हारा गाड़ी का, तुम्हारा औकात नहीं है कि गाड़ी हिलने देंगे, गाड़ी यहीं पे तुम्हारे दरवाजे पर रहेगी। और अभी भी फोर्स लगाए हुए हैं, कहाँ का नियम है जी? बिल्कुल, जब ऑनलाइन फाइन करा दिए तो मैं ऑनलाइन फाइन भरूंगा। आप कौन होते हैं वहाँ फोर्स लगाने वाले? अभी तक फोर्स लगा के वहाँ रखे हुए हैं मेरा ड्राइवर साहब, भाई गाड़ी धोने नहीं दे रहे हैं। चलिए ठीक है। एक बारा पाई थी वो नहीं करी।